तो वही लगातार बढ़ रही ठंड के प्रकोप से आम जन काफी परेशान हैं। बढ़ती धुंध के चलते यातायात में काफी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये चार तस्वीरें प्रदेश में बढ़ती ठंड की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बहादुरगढ़, भिवानी, फतेहाबाद और रेवाड़ी की ये तस्वीरें, किस कदर ठंड रेल यातायात पर असर डाल रही है। भारी तापमान में गिरावट और बाकी सूरत हाल भी आप लगातार देख रहे हैं। बहादुरगढ़ में 55% ह्यूमिडिटी के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जिसके कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर सुबह के समय करीब आधा दर्जन रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ साथ लोकल ट्रेन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से दो दो घंटे तक विलंब से चल रही हैं। भिवानी में भी कोहरे और शीतलहर की दस्तक आप देख पा रहे हैं। कोहरे से जहां अभी तक किसान खुश थे तो वहीं अब उन्हें इस बात का भी मलाल है कि अगर कोहरा सूखा पड़ता रहा तो फिर उनकी फसलें खराब होती रहेंगी। फतेहाबाद में ठंड से बचने के लिए यहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल रेवाड़ी में भी नजर पड़ रहा है।